महंगाई का नया बम, फटने को तैयार। दाल चना, माश, मूंग, काले चने की कीमतों में इजाफे की तजवीज। डीसी लाहौर की जर सदारत, प्राइस कमेटी मेंबरान का इजलास हुआ। चीनी 60 रुपए, नान और खमीरी रोटी 12, सादा रोटी 6 रुपए करने की तजवीज पर गौर किया गया। सब्जी मंडियां हो या आम बाजार, हंडिया की बुनियादी अशियाए जरूरिया, टमाटर, अदरक, लहसुन सस्ता है ना कोई और सब्जी। 300 रुपए फी किलो बिकने वाली सब्ज मिर्च नायाब। लाल टमाटर लाल नोट से भी महंगा, 120 रुपए फी किलो में फरोख। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 241 रुपए हो गई। कि महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया, शहरियों के शिकवे। फूड अथॉरिटी पर डब्बा कंपनियों को कामयाब बनाने का इल्जाम। गवाले फूड अथॉरिटी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। फूड अथॉरिटी डब्बा कंपनियों को कामयाब बना रही है, मुजाहिरीन का इल्जाम। वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। फूड अथॉरिटी हुकाम ने गवालों को मुजाकरात के लिए आज 11 बजे बुला लिया। थाना शाहदरा के इलाका मिराज पार्क में घरेलू झगड़े पर बीवी के हाथों शौहर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकबूल का अपनी अहलिया के साथ झगड़ा हुआ। अहलिया ने शौहर के सर पर आहनी आला से वार किया, जिससे वो मौका पर ही जाबहक हो गया। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सांदा के इलाके में घरेलू झगड़े पर फायरिंग से 20 साल अली से नामी लड़की जख्मी। घरेलू तनाजे पर तायाजाद और चचाजाद में झगड़ा हुआ। मुलजिम जिशान ने फायरिंग कर दी। जख्मी लड़की को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान फरार। शहर में डाकू राज बरकरार। मांगा मंडी में कोस्टर में सवार 25 मुसाफिर लुट गए। 3 डाकू ठोकर न्याज बेग से कोस्टर में सवार हुए। डाकुओं ने मुसाफिरों को जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी से महरूम किया। पुलिस ने मुसाफिरों के बयान कलमबंद करके मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 रोज कबल कत्ल और तुलबा पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। तुलबा का कहना है कि पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और ना ही सीसीटीवी फुटेज फ्राहम की जा रही है। तुलबा ने वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी की और टायर नजर आतिश किए। यूनिवर्सिटी के गार्ड और पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद रही। पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोटलागपत जेल आमद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 1 घंटा 10 मिनट तक मुलाकात। अयादत की और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। आज मेरे लिए तारीखी दिन है, नवाज शरीफ की अयादत के लिए आया। मियां साहब बीमार लग रहे थे, इनकी मर्जी से इलाज कराया जाएगा। नवाज शरीफ अपने असूलों पर कायम है, कोई डील नहीं कर रहे। ऐसा नहीं चाहता कि इमरान को भी नवाज शरीफ जैसा वक्त देखना पड़े। मरियम नवाज खामोश नहीं, वालिदा की तिमारदारी में मसरूफ हैं। बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिले कद्र है। बिलावल भुट्टो की नेक ख्वाहिशात के लिए दुआगो हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मरियम नवाज का ट्वीट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कोटलागपत जेल में नवाज शरीफ की अयादत करने पर शुक्रिया। हर बार कहा जाता है नवाज शरीफ को सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही। नवाज शरीफ को कार्डियक का मसला है। मियां साहब को मेयो अस्पताल या जिना अस्पताल में मुंतकिल करने की पेशकश की। नवाज शरीफ ने कहा मुझे जेल मुंतकिल कर दिया जाए। वजीर आजम ने कहा नवाज शरीफ मुल्क में जहां इलाज कराना चाहें करवा सकते हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं नवाज शरीफ से अस्पताल में मिलने आने वालों के बायस मरीजों को भी परेशानी हुई। तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल बोले इलाज की सहूलियात में किसी किस्म की कमी नहीं है। नवाज शरीफ मुकम्मल पुरअज़्म और बाएतमाद थे। मियां साहब आप 3 बार के वजीर आजम हैं, ये ज्यादा देर आपको बंद नहीं रख सकते। उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ का मुकालमा ये भी कह दें ये मुलाकात जल्द से जल्द होगी। नवाज शरीफ का हंसकर जवाब। बिलावल की साबिक वजीर आजम को NICVD में इलाज की पेशकश। ये इजाजत दें, इलाज तो मैं खुद भी करवा सकता हूँ।
हुक्मरान मेरा इलाज कराएं, तमाशा तो ना बनाएं। नवाज शरीफ बोले, बिलावल साहब हमने जो गलतियां की सो की, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बिलावल और नवाज शरीफ की अंदरूनी कहानी मंजरेआम पर। नवाज शरीफ के लिए जेल में कार्यक यूनिट बना दिया गया। डॉक्टर्स के फैसले पर मिनवान अमल किया जाएगा। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का फैसला अदालत करेगी। अदालती फैसले में हुकूमत मदाखलत नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन का जू पार्क में तकरीब से खिताब। हुकूमत को कायम हुए 8 माह गुजर चुके हैं। वजीर आजम ने कहा, मुझे इल्म नहीं था, मुआशी हालात इतने खराब थे, हुकूमत ने होमवर्क क्यों ना किया। बर वक्त फैसले ही ऐसा फैसले होते हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का पंजाब असेंबली के इजलास में खिताब, बोले दोस्त ममालिक की जानिब से पैसे मिलना अच्छी बात है। पंजाब असेंबली का स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जर सदारत इजलास, ब्यूरोक्रेसी की अदम हाजिरी पर स्पीकर बरहम। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मीटिंग में है, मैं खुद जवाब के लिए हाजिर हूं। डॉक्टर मुरादराज, बात मेरी और आपकी नहीं, हाउस की है। स्पीकर परवेज इलाही ने वजीर स्कूल एजुकेशन को सवालात के जवाब देने से रोक दिया। गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलर होने की पाबंदी खत्म। नॉन फाइलर शहरी अब 800 सीसी से 5000 सीसी तक गाड़ियां रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला की जेर सदारत महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास भी हुआ। असलहा साथ रखने से मुतालिक अलग परमिट का मामला, महकमा दाखला पंजाब ने बड़ा फैसला कर लिया। कैरी परमिट का अलग से इजाजतनामा लेना जरूरी नहीं। कंप्यूटराइज्ड असलहा लाइसेंसी कैरी परमिट के तौर पर इस्तेमाल होगा। असलहा की नुमाइश पर पाबंदी बरकरार, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गवर्नर हाउस का अंदरूनी हिस्सा देखना है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हुकूमती खजाने पर बोझ कम करने के लिए गवर्नर हाउस को कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल करने की तजवीज। टिकट टूर गाइड की फीस मल्टीनेशनल कंपनीज के इवेंट करवाने की तजवीज। बिजनेस प्लान मंजूरी के लिए विफाकी हुकूमत को इरसाल। ट्रेडर्स अलायंस की होलसेल मार्केटें रिंग रोड पर मुंतकिल न करने की हिकमत अमली तैयार। पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस की कयादत का आजम क्लॉथ मार्केट का दौरा। वफद की कयादत मरकजी सदर मोहम्मद अली मियां ने की। ताजिरों ने होलसेल मार्केटों को रिंग रोड पर मुंतकिल करने पर तहफ़ुज़ात से आगाह किया। ताजिर रहनुमा कहते हैं, हुकूमत तजावजात के नाम पर गिराई गई इमलाक के ताजिरों को रिंग रोड पर जगा दे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के मामले पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। एमटीआई एक्ट खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हो गया, हमें एहतजाज करने पर मजबूर ना किया जाए। हुकूमत अवामी मुफाद में ये एक्ट वापस ले। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ग्रेड 19 के 7 अफसरान के तबादले कर दिए। सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर तब्दील। परवेज अख्तर को कायम मुकाम सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर लगा दिया गया। नसीम अहमद जाहिद को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। पीसी होटल में स्पायर ग्रामर स्कूल की इफ्तिताही तकरीब, बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर और सीईओ नाजिश उमर शाह की खसूसी शिरकत। परवीन सरवर कहती हैं, तालीम सबके लिए अहम है, बच्चों को तालीम दिलवाना हर माँ बाप का ख्वाब है। शहर में बारिश के बाद मौसम अबरालूद, तेज हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। भारत खेल को सियासत का शिकार ना करे, भारत का तर्ज अमल खेल के लिए मुनासिब नहीं, आईसीसी एक्शन ले। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने भारतीय टीम के फौजी टोपियां पहनने पर तहफ्फुज़ात से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारत ने इजाजत किसी और चीज के लिए ली, अमल कुछ और किया, खत्म मौकफ।
फैसलाबाद में पुलिस की मिलीभगत से गुंडागर्दी अरूज पर, फनकारों का ड्रामों में काम करना दुश्वार हो चुका, वज़ीर-ए-आला पंजाब तहफ्फुज़ फराहम करें। स्टेज की अदाकारा मुनिज़ा मुल्तानी की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत की 1965 की जंग पर मबनी फिल्म शेर दिल रिलीज के लिए तैयार, फिल्म की कास्ट की पीसी होटल में तशहीरी मुहिम, फनकार कहते हैं फिल्म शेर दिल लोगों के लिए एक तोहफा होगी। हिम्मत को जिया सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना क्या लिखना। और ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता, जमहूरियत के अलमबरदार और उर्दू जबान के इनकलाबी शायर हबीब जालिब को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए, अवामी शायर की बरसी आज इंतहाई अकीदत से मनाई जाएगी।